हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग व्हाट इज रिसर्च पैराडाइम एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम। ये एक्चुअली मैं एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे पर्सनली भी लगा कि जो लोग आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हैं या जो लोग रिसर्च से रिलेटेड हैं उनको रिसर्च पैराडाइम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज researchphd.in इन विच यू विल फाइंड डेली क्विजेज ऑन पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। द लिंक ऑफ फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो भी हमारे यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं, जो भी हमारे क्विजेज के लिंक होती हैं, वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो जरूर इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप नेट GRF सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक पेरिस दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स जो कि नेट GRF सेट या फिर PhD एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही ट्रिक्स के फॉर्म में मैंने समझाए हुए हैं कॉन्सेप्ट्स, तो आप उसको जरूर एक बार देखिएगा। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आगे जा कर के PhD एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर वन में पूछी जाती है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के लिए जो कि नेट GRF सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप भी उसको रेफर कर सकते हैं। और जो लोग PhD करना चाहते हैं या जो लोग PhD कर रहे हैं उनके लिए PhD रिसर्च पेपर और MPhil वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स 145 प्लस वीडियोज़ हैं उसमें, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं जानता हूँ ये चीज़ के रोज़ नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते रहते हैं और अक्सर जो है वो सिमिलर क्वेरीज पूछते रहते हैं, तो मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप हमारी प्लेलिस्ट PhD रिसर्च पेपर MPhil में ज़रूर जो है एक बार देखिएगा उसको, जिससे आपको काफ़ी हद तक जो है नए नए चीज़ें समझ में आएंगी और जो आपकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट का नाम है PhD रिसर्च पेपर MPhil। इसके अलावा अगर आप पेपर वन और पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं नेट GRF सेट के लिए, तो नवदीप कौर मैम अन अकेडमी पे पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रही हैं, तो आप उनको ज़रूर रेफ़र करिए। और अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप YouTube चैनल नव क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज डेली बेसिस पे कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस नव क्लासेस YouTube चैनल पे आते रहते हैं। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं अन अकेडमी पे फ्री, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ ना कुछ नॉलेजेबल सीख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप कोड यूज़ करिएगा नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए आते हैं और जानते हैं व्हाट इज रिसर्च पैराडाइम। रिसर्च पैराडाइम जो है ये एक सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट्स हैं जो कि शेयर किए जाते हैं बिटवीन साइंटिस्ट, कि किस तरीके से प्रॉब्लम को समझना है और किस तरीके से प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। बिकॉज हम सब जानते हैं रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज ही है आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? तो रिसर्च पैराडाइम जो होते हैं ये एक कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि शेयर किए जाते हैं साइंटिस्ट के बीच में, साइंटिस्ट के द्वारा, जिससे उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से समझनी है। बिकॉज जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे, तब तक आगे जाकर के आप उसके ऊपर रिसर्च कैसे कर सकते हो, राइट? तो किस तरीके से प्रॉब्लम समझनी है और किस तरीके से उसको एड्रेस करना है, राइट? कुछ नया फाइंड आउट करना है, कुछ नया रिसर्च करना है, तो ये जो कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं ये होता है एक तरीके से रिसर्च पैराडाइम। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि कोई भी जो बिलीफ है या एग्रीमेंट है ये गलत या सही नहीं होता है, बट हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ जाननी है कि कौन सा बिलीफ, कौन सा एग्रीमेंट किस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़फुल होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई, मतलब यहाँ पे किसी भी हम चीज़ को गलत या सही नहीं कह रहे हैं, रैदर देन हम यहाँ पे ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हम जो बिलीफ और एग्रीमेंट जो हमें रिसर्च पैराडाइम बताता है वो हम यूज़फुल तरीके से सिचुएशंस में लगाएं, जिससे हमें जो है प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और हम प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। इसके बाद यहाँ पे बताया है जो पैराडाइम है ये कंटेन करता है यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक अचीवमेंट्स, और ये एक तरीके से प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताता है रिसर्चर्स को, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके की सॉल्यूशंस बताता है उन प्रॉब्लम्स की। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, व्हाट इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड, किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से हम
है ना, चीज़ों को स्क्रूटनाइज करें, ऐसी चीज़ें जो हमको लग रही है इट्स नॉट यूजफुल टू अस, ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो हमको इट्स नॉट यू नो हेल्पफुल, उसको हम पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, उसको हम एलिमिनेट करते हैं, राइट। तो ये हमको बताता है कि किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है यू नो चीज़ों को, और किस तरीके से हमें स्क्रूटनाइज करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं और उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि हमें जो है क्वेश्चनेयर्स बनाने होते हैं, अगर आप सर्वे कर रहे होते हो, अगर आप यू नो इफ़ यू आर गोइंग टू गैदर प्राइमरी डाटा, तो इन दैट केस यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस, और किस तरीके के क्वेश्चंस हमें बनाने हैं, है ना, क्योंकि दी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन शुड बी वेरी गुड, जो कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कुछ नया रिसर्च करने में आपकी मदद करे। इज इट क्लियर? तो उसकी क्वेश्चंस क्या होंगे और उसके प्रोस्पेक्टिव आंसर्स क्या हो सकते हैं, ये भी हमें रिसर्च पैराडाइम ही बताता है। और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर ये बताइए आप कि क्वेश्चनेयर बनाना कैसे है। ये देखिए, आप जब डिटेलिंग वे में या आप डिटेल तरीके से जब आप लिटरेचर रिव्यू कर दोगे तो आपको रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उस रिसर्च गैप्स की मदद से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, और फिर आप जैसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे किन किन एरियाज़ को मैं अपनी रिसर्च में कवर करने वाला हूँ, है ना, किस तरीके से क्वेश्चनेयर बनेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छी लिटरेचर रिव्यू की, राइट। तो मैंने इसके ऊपर भी बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, किस तरीके से फास्ट क्विकली आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो, इन दी प्लेलिस्ट PhD रिसर्च पेपर MPhil, जरूर आप उसको देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, फॉर्म करना है, और जो हमें रिजल्ट मिलेंगे, जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पॉन्डेंट से, जो हमें रिजल्ट मिलेंगे, है ना, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, उसको किस तरीके से समझना है, ये भी हमको पैराडाइम बताता है। उसके बाद किस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, अब आपको क्या करना है, उसके प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, राइट, कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये कहाँ मिलेंगी आपको, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पैराडाइम हमें बताता है, है ना, पैराडाइम कंटेन करता है ये सारी चीज़ें, जो कि मदद करता है आपको एक इफेक्टिव रिसर्च करने में, राइट। और प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप थ्रू दिस पैराडाइम, एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट the prospective solutions of it as well. इसके बाद हम आ जाते हैं different paradigms की तरफ, इसमें positivism, post positivism, critical theory जिसे आप ideology भी बोलते हो, constructivism और pragmatism, ये पांच different paradigms होते हैं। इसमें जो positivism और post positivism आपको दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक इज अबाउट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, जरूर आप इसको रेफर करिएगा, इसको देखिएगा, और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, पॉजिटिविज्म मतलब यहाँ पे आपको एक डिडक्टिव तरीके से, एक डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करनी है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, है ना, मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे को पाइथागोरस थ्योरम दे दिया जाता है, राइट, और उस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम आगे जा करके जो है जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम उस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है, है ना, यहाँ पे हम डिडक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगा सकते, राइट, ये पॉजिटिविज्म वाले बोलते हैं, ये पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि आपको जो यूनिवर्सली बता दिया गया है, जो यूनिवर्सली प्रैक्टिसेस हैं, जो लॉज हैं, आपको उसी को फॉलो करना है, यू कैन नॉट यूज योर ब्रेन्स, राइट। और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलते हैं, और पोस्ट पॉजिटिविज्म ये बोलता है कि हम ह्यूमंस हैं, हम यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे बायसनेस आ सकती है, यहाँ पे रिजल्ट मैनिपुलेट हो सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, राइट। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म ये दो पैराडाइम्स हैं, और किस तरीके से ये मदद करने वाले हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से ये पैराडाइम्स रिलेटेड है। जो पॉजिटिविस्ट होते हैं ये तो बोलते हैं कि सिंगल रियलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बोलते हैं सिंगल रियलिटी है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये एक सिंगल फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन को समझ करके जो फॉर्मूला आपको लगे कि हाँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो आपको वो लगाना पड़ेगा, देयर इज सिंगल रियलिटी, और उस सिंगल रियलिटी की मदद से ही आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सी बात है। मैंने बता दिया ये पर्टिकुलर आपके पास यू नो फॉर्मूला है, यू हैव टू अप्लाई ओनली दिस फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे किस तरीके के मेथड्स फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, राइट। क्वांटिटेटिव मेथड्स में भी यही होता है ना, हमें एक बता दिया
जो है हमारे पास क्वेश्चंस भी आते रहते हैं नेट जीआरएफ में कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस लगा रहा है ना, कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हैं और ये फॉर्मूला को यूज़ कर रहा है, तो वो कौन सी अप्रोच हुई? वो डिडक्टिव अप्रोच हुई, राइट। और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलते हैं? पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलते हैं देयर इज नो सिंगल रियलिटी, कोई रियलिटी नहीं है, देयर कैन बी मैनिपुलेशन रिजल्ट, देयर कैन बी बायसनेस। और कौन कौन से मेथड यूज करता है? इट कैन यूज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, राइट। आपको लॉस तो बताए हुए हैं, आपको पता तो है, जैसे कि मैंने अपने उस वीडियो में बताया मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है ना, कि मल्टीप्लीकेशन आपको करना है 416 का, 416 थे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 416, और वहाँ पर शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं, है ना। शॉर्टकट्स कैसे आए? बिकॉज ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव हमें पता है कि हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर लोगों ने बोला कि बैंक एग्जाम्स में नेट जीआरएफ में इतना टाइम नहीं होता कि इतने लंबे लंबे मल्टीप्लीकेशन कर सके, तो शॉर्टकट चाहिए हमको, तो वहाँ पे लोगों ने अपना दिमाग लगाया, शॉर्टकट्स बनाया, इसलिए यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म में बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव जो है अप्रोच आती है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स यूज होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम क्रिटिकल थ्योरी पे। क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है? ये आइडियोलॉजी है ना। क्रिटिकल थ्योरी मीन्स यहाँ पे हर एक इंसान की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, एवरी वन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन यू नो आइडियोलॉजी, उनके अपने अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो पैराडाइम है ये बता रहा है कि एक वाटर अगर दिया हुआ है, वो अगर उसमें आधा पानी है, तो दो लोग अगर आमने सामने खड़े हुए हैं तो दोनों का एस्पेक्ट अलग अलग होगा। कोई बोलेगा कि इसमें हाफ वाटर है, कोई बोलेगा इसमें हाफ एयर है, इज इट क्लियर। क्रिटिकल थ्योरी है जिसे आप आइडियोलॉजी बोलते हैं, ये पैराडाइम जो है ये भी रिसर्च में काफ़ी यूज़ होता है, बिकॉज यहाँ पे हर एक इंसान की अपनी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, अपने एक अलग आइडियाज़ होते हैं, उसके बेसिस पे वो चीज़ों को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। इज इट क्लियर? हर एक इंसान के पास अपना एक अलग यू नो आइडिया होता है, आइडियोलॉजी होती है, जिसकी मदद से वो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, चीज़ों को एड्रेस करता है। ये है आपका थर्ड, दैट इज़ क्रिटिकल थ्योरी, या आप इसको अदर लैंग्वेज बोल सकते हो आइडियोलॉजी। नेक्स्ट पैराडाइम इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है? यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं ये नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं रैदर देन जस्ट पैसिवली टेक इन इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बता दिया बस हो गया, यहाँ नहीं। कंस्ट्रक्टिविज्म में हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस करते जाते हैं दुनिया का, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे वो कुछ ना कुछ नॉलेज बिल्डअप करते रहते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि ये बता दिया मतलब ये आपको फॉलो करना है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए आइए और देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म किस तरीके से पैराडाइम से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है देयर इज नो सिंगल रियलिटी और ट्रुथ, देयर आर मल्टीपल रियलिटीज और एवरी रियलिटी नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड, राइट। मैंने आपको बोला कि इस चीज को इस तरीके से लिया जा सकता है, आप बोलोगे नहीं मेरा तजुर्बा कुछ अलग है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है, है ना, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। तो देयर इज मल्टीपल रियालिटीज, राइट, देयर इज नो सिंगल रियालिटी, ये बता रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, इज इट क्लियर। और हर एक रियालिटी को आपको इंटरप्रेट करना है, और यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं। क्यों क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं हम? जैसे कि हम सपोज मैं कोई रिसर्च करने वाला हूँ, राइट, तो सिमिलर रिसर्च किसी और ने भी की हुई है, मैं चाहूँ तो सेकेंडरी डाटा का यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं सेकेंडरी डाटा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ? मैं प्राइमरी डाटा का यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद अपना डाटा कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, राइट। ये नहीं कि सिर्फ अरे सिमिलर रिजल्ट तो आ रहा है, सिमिलर रिसर्च तो हो रही है, चलो इसी का डाटा हम उठा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसलिए क्वांटिटेटिव मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम खुद कंस्ट्रक्ट करने की पहल करते हैं, हम यहाँ पे खुद चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं रैदर देन जस्ट टेकिंग इन द इन्फॉर्मेशन कि अच्छा सिमिलर रिसर्च तो है, डाटा है, तो ले लेते हैं क्या प्राइमरी डाटा, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, एफर्ट्स कंज्यूमिंग होते हैं, नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होता है टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज एज पर योर एक्सपीरियंस, राइट। और लास्ट है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म आपने बहुत बार सुना भी है, और प्रैग्मेटिज्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है टीचिंग एप्टीट्यूड में, बिकॉज प्रैग्मेटिज्म में ये जो प्रैग्मा है ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है एक्टिविटी और द वर्क डन। चलिए अब जानते हैं किस तरीके से प्रैग्मेटिस्ट पैराडाइम से कैसे रिलेटेड है, रिसर्च पैराडाइम से कैसे रिलेटेड है। जो प्रैग्मेटिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं कि रियलिटीज जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, और हम बेस्ट कैसे लर्न कर सकते हैं? थ्रू आर एक्सपीरियंसेस, राइट। और बेस्ट मेथड है कौन सा? बेस्ट मेथड वो है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इज इट क्लियर। तो प्रैग्मेटिस्ट का सिंपल सा अप्रोच ये है कि वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि रियलिटीज कंटिन्यूसली चेंजिंग है, और साथ ही साथ हमें
जो है बेस्ट लर्न करना है थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस. और बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड की पहचान क्या है, बेस्ट मेथड वो है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल, क्योंकि हम प्रैग्मेटिज्म में क्या समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, लर्निंग बाय डूइंग एंड अप्लाइंग. और फिर हमको जो है यहाँ पे वर्ड आएगा कि हमें अप्लाई भी करना है. कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, हमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखने हैं उसके. इज इट क्लियर? तो ये बताता है प्रैग्मेटिस्ट, या आप प्रैग्मेटिज्म बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट पैराडाइम्स हैं पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म की. मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैंने फिर भी आपको शॉर्ट में समझा दिया. उसके बाद आइडियोलॉजी मैंने आपको बताई, आइडियोलॉजी के बाद मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म बताया, और कंस्ट्रक्टिविज्म के बाद मैंने प्रैग्मेटिस्ट के बारे में बताया कि उनकी क्या अप्रोच रहती है, वो किस तरीके से सोचते हैं. तो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन रिसर्च पैराडाइम. आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से. और आप इसको जरूर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जो है लिखिए कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें. इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ. आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. चैनल का नाम है एड इंडिया, और उसका टेलीग्राम चैनल भी है एड इंडिया फॉर नेट जर. आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. सो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके. और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और आप अपनी रिसर्च जर्नी में आगे जा सकें. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव वेरी नाइस डे अहेड.